हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं रावल विरचित अरोड़ा, तो उसे आगे आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था, ये एक पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। प्रमुख जैन कवि जोइंद राम सिंह, जैन में और भी बहुत सारे कवि हैं लेकिन उसमें प्रमुख कवि है जोइंद और राम सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। कीर्तिलता को कवि ने अभट भाषा में रचा है। क्वेश्चन पूछेगा कि कीर्तिलता किस भाषा में रचा गया है, तो आप आंसर देंगे अवध भाषा में। जयदेव का रचना गीत गोविंद है, ये सब तो आपको रटना ही है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव का। अगला है, संत नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब वीर कथा काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है, ठीक है, प्रकरण भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, बिसलदेव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है, ठीक है। आल्हा लोक गान है, विजयपाल ने पंग राजा से लड़ाई किया था, वही विजयपाल रासो में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास का जो आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, ठीक। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला पॉइंट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद है, रामशरण शर्मा निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। फिर अगला पॉइंट, भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे, उनके एक गुरु कांचीपुरम शूद्र थे। अगला पॉइंट है, अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। एक महिला भक्त अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए, मीरा से कई शताब्दी पूर्व की है। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य है रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था, रामानंद आकाश धर्मा गुरु थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, इसको याद रखना है। रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, तो याद भी ये आसानी से रहेगा, राम, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया था, तो संकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य था। सूफी इस्लाम मतानुयायी हैं। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक पंजाब के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, अनुमानतः नामदेव पहले सगुनोपासक थे, गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधि है, भीम कवि का रचना दंगवाय पुराण, सूरदास का रचना एकादशी कथा, रचना सब एकदम रट देना है। पुरुषोत्तम का रचना जैमिनी पुराण, ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, सरप्पा का दोहा कोश प्रसिद्ध है, ठीक है। कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है, कबीर जुलाहा थे। कहा जाता है कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुआ। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है।